नमस्कार, न्यूज डाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। गाजियाबाद के लोनी रूपनगर क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से समीर व राजेश नामक एक मजदूर की मौत हो गई। वह अनेक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। वही मौके पर पहुंची पुलिस व एनडीआरएफ की टीम द्वारा मजदूरों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में आनन फान में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई गई है, जिसकी देखरेख मदन शर्मा द्वारा की जाती थी। इस हादसे में मदन शर्मा भी गंभीर रूप से घायल है। अन्य 11 मजदूरों को दिल्ली के गाजियाबाद जीटीबी हॉस्पिटल इलाज के लिए पुलिस टीम एनडीआरएफ की टीम के द्वारा भेजा गया है, जहाँ उनका उपचार डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। मामले में रवि कुमार डीसीपी ग्रामीण गाजियाबाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज लगभग शाम को 5 बजे के करीब की घटना है। थाना लोनी के क्षेत्र के रूपनगर का ये मामला है। रूपनगर में ये मदन पाल शर्मा का एक सिंगल फ्लोर का ये बिल्डिंग है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और इसका छत अभी पड़ रहा था। तो शाम को ये सूचना लगभग 4:30-5 बजे के बीच में आई कि ये छत जो है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वो गिर गई है। इसमें जब पुलिस पहुंची, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल की टीम को भी बुला लिया, प्रशासन भी आ गया है, साथ ही साथ फायर टेंडर भी बुला लिया गया। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है यहाँ पर। अभी तक कुल 6 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 4 घायल हैं और 2 एक्सपायर हो चुके हैं। लोगों को जीटीबी और अन्य अस्पतालों में पहुँचाया गया है, और इसके अलावा साथ ही साथ जो संभावित लोग हैं उनको भी निकालने की प्रक्रिया जारी है। एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, फायर सर्विसेज और मेडिकल की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी लोग मिलकर आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की दबी होने की अभी आप, जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं, 10 से संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये संभावित है अभी, चूँकि अन्य बहुत लोगों की बात है, तो फाइनल कन्फर्मेशन अभी मालिक से बात करके किया जाएगा, बट हम लोग की प्रक्रिया जारी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।